आज हम जो है वो गन्ने के मुतल्लिक बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर हम प्रोडक्शन स्टेटस देखें तो इफ़ वी विल फोकस इफ़ यू वांट टू डिस्कस एंड कंपेयर विद द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान इज 3% ओनली वाइल द ह्यूज एंड मैसिव प्रोडक्शन इज इन ब्राज़ील 28%। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इंक्रीजिंग जस्ट 28%, दैट इज इक्वल टू द ब्राज़ीलियन प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन, बट इन इंडिया देयर इज ओनली 18%, बट वाइल इन चाइना 10% शुगर केन प्रोडक्शन टेक प्लेस। बट आवर फोकस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रोड्यूसिंग 3% शुगर केन अराउंड द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान जो है वो 3% गन्ना जो है वो पैदा करता है। इफ़ यू विल टॉक अबाउट द प्रोविंशियल स्टेटस ऑफ पाकिस्तान विद इन द कंट्री, पाकिस्तान के अंदर जो सूबे हैं उनमें 63% जो है वो पंजाब शेयर कर रहा है, 9.13 KPK और 27.35 जो है वो सेम कोऑर्डिनेट कर रहा है। वर्ल्ड ऑफ मेजर पेस्ट के मुआशी हद क्या हैं कीड़ों की, वो उनको पता होना चाहिए। सफ़ेद मक्खी अगर गन्ने के ऊपर हमला कर रही है तो वो इसको देखे क्या इनकी एवरेज जो है वो 5 से 8 निम्फ पर लीफ आ रही है, नाबालग जो है वो फी पत्ता इतने आ रही है, और शुगर केन पायरेला अगर है वो 3 से 5 इंडिविजुअल्स, 2 भी हैं, 2 पर लीफ है, यहाँ पे किसी और लिटरेचर से दिया गया है, तो 3 से 5 इंडिविजुअल पर लीफ होने चाहिए। टॉप बोरर्स की अगर बात करें तो उसका परसेंटेज डैमेज कितना है, जैसे 10 से 15% है, अगर स्टेम बोरर है वो 7 से 10% है, और अर्ली शूट बोरर अगर आ जाता है तो उसका 20 से 22% तक जो है वो ETL लेवल है। ऐसे ही इंटरनोड बोरर अगर उसकी बात करें तो 16 से 28% अगर डैमेज हो तो फिर हम जो है ना उसके लिए मैनेजमेंट टैक्टिक्स जो है ना वो शुरू करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है ना वो हम जहन में रखें, ज़िम्मेदार हजरात को बताएं वो अपने खेतों के अंदर कीड़ों के खिलाफ ख़ास तौर पर तवज्जो इतने ज़ोरों शोर से नहीं देते। हालांकि देखा गया है कि मिलीबग जो है वो शुगर रिडक्शन में 35% तक जर्मिनेशन को इफ़ेक्ट करती है और 16.2% जिससे शुगर की रिकवरी में मसला पेश आता है। ऐसे हम रूट बोरर की बात करें तो वो भी 35% तक जर्मिनेशन में जो है वो फ़र्क पड़ता है, जबकि शुगर रिकवरी भी 2% तक जो इफ़ेक्ट होती है। अगर हम टॉप बोरर की बात करें या स्टेम बोरर की बात करें, उनकी भी लाभाला परसेंटेज ऐसा ही काउंट होते जाएंगे। रस चूसने वाले कीड़ों में सफ़ेद मक्खी है, शुगर केन पैरेला है, ब्लैक बग है और टर्माइट। ये जो कीड़े हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कीड़े मुख्तलिफ अंदाज से कुछ रस चूस कर कुछ कुतर कर जो है वो शुगर केन की गन्ने की पैदावार के अंदर कमी लाते हैं और इनके अंदर जो शक्कर की मकदार है उनको कम करते हैं। तो ज़िम्मेदार हज़रात भाइयों, सबसे पहले जो है हमारे बड़े कीड़े जो जहाँ भी गन्ना उगाएंगे सबसे पहले वो आएंगे, उनमें है टॉप बोरर ऑफ शुगर केन यानी कि चोटी का गुड़वा, स्टेम बोरर ऑफ शुगर केन यानी तने का गुड़वा, और रूट बोरर ऑफ शुगर केन यानी जड़ का गुड़वा। ऐसे गुरदासपुर बोरर ऑफ शुगर केन, गुरदासपुरी गुड़वा, और रस चूसने वालों में लीफ हॉपर या पायरिल्ला, ठीक है, वाइट फ्लाई ऑफ शुगर केन गन्ने की कमाद की सफ़ेद मक्खी, अगर ब्लैक बग ऑफ शुगर केन ये ब्लैक बग गन्ने की ब्लैक बग, ठीक है। ये कीड़े कौन से हैं, ये प्राइमरी कीड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीड़े भी हैं जो वक्त के साथ साथ अगर उनको दर्जा हरारत और मौसम साथ दे देवे लालसो मर जाओ, देवे लालसो का इकोनॉमिक कास्ट गुजार क्रॉप्स। उनमें कौन कौन से हैं वो दूसरे तौर पे आते हैं, उनमें मिली बग है, रस चूसती है, ट्रमाइट दीमक जिसको कहते हैं, अमाइट्स जुए हैं, ये खास तौर पे वो कीड़े हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह। अब इसमें न्यू थ्रेट्स, नए खतरात भी आ रहे हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ नए कीड़े हमलावर होते जा रहे हैं, पुरानों का हम लाइफ साइकिल ख़त्म करके उनको यहाँ से धकेले जा रहे हैं। तो नए थ्रेट्स के अंदर अर्ली शूट बोरर एक इंसेक्ट है वो आ रहा है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे शुगर केन बोरर्स के मतलब, वो कीड़े जिनको रस चूसकर जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सो आई विल टॉक अबाउट द शुगर केन टॉप बोरर। क्रीम कलर का लार्वी होता है और सफ़ेद कलर का मौत होता है, जिसकी पुष्प के ऊपर
बाल नमा होते हैं, और इसका अंडे का जो एग मैस है, जो अंडे का गुच्छा एक देती है एक जगह पे, उनको बालों के साथ ये कवर अप कर देती है ताकि पैरास्टाइट्स वगैरह से महफूज रहे। सफ़ेद आपको नज़र आ रही होगी कि सफ़ेद फीमेल, ये उसका लार्वी है जो चोटी के गुड़ों का जो सुंदी नुकसान पहुंचाती है। अगर खेत के अंदर आप निगाह दौड़ाएंगे दूर से आपको सफ़ेद टॉप्स यानी आपको कोंपलें खुश्क नज़र आएंगे, करीब से देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा गन्ना चोटी से बिल्कुल चोटी से अगर आप उसको निकालेंगे तो डेड हार्ड जो है वो आसानी से आप उसको बाहर खींच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लैटरल शूट्स डिवेलप होती हैं जस्ट लाइक द बंच फॉर्मेशन और दैट इज कॉल्ड बंची टॉप, छांगा नवा बन जाता है। मैनेजमेंट जो है वो हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं, अब हम आखिर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज शुगर केन स्टेम बोरर, हमारे पास क्या है कि ये तने का गुड़वा, तने का गुड़वा वही डर्टी वाइट कलर है जिसके ऊपर पांच लाइनें होती हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, पांच लाइनें होती हैं, डर्टी वाइट कलर होता है इसका। ये क्या करता है, ये पत्ते की रग के में से दाखिल होते हुए जाकर सीधा स्टेम के अंदर दाखिल हो जाता है, तने के अंदर दाखिल हो, गन्ने के तने के अंदर, वो चोटी के ऊपर दाखिल होता था, ये तने के अंदर दाखिल होता है। भूरे कलर का जो है ना इसका बालक आप देख सकते हैं पत्ते के ऊपर, और ये जो है आप एरो के निशान को, तीर के निशान को देखेंगे जमीरात हजरात के, पोरी के अंदर सुराख किया हुआ है, होल इन इंटरनोड, ये इंटरनोड के अंदर जो सुराख है दैट इज द साइन दैट द स्टेम बोरर लार्वी हैज बीन एंटर्ड एंड ही हैज ईटन द शुगरी मटीरियल ऑफ द शुगर केन, और लेटरल शूट्स डिवेलप हो रही हैं आप ये भी देख सकते हैं उसके साथ साथ। और ये जो आपकी राइट साइड पे तस्वीर नज़र आ रही है, यू कैन सी क्लियर कट विजन कैन शो दैट द एट ईच इंटरनोड देयर इज अ डिवेलपमेंट ऑफ द बंच विच इज नोन एज बंची टॉप। होल्स इन द इंटरनोड कैन ऑल्सो भी डिवेलप इन द इन केस ऑफ सीवियर इन्फेस्टेशन, कि ये कीड़ा एक तरफ से खाता हुआ तो चलता जाए दूसरी तरफ से निकल जाए, तो इंटरनोड डैमेज भी स्टेम बोरर की वजह से हो सकता है। अगर हम शुगर के रूट बोरर जड़ के गुड़ुएं की बात करें तो इसका नाम से जाहिर है कि जड़ की तरफ जाएगा ये, लेकिन दाखिल पत्ते में ही होगा लेकिन वहाँ से जड़ की तरफ जाएगा, और पेल बीड लाइक अपीरियंस जीवन से सफ़ेद जो है वो जिसम, और ये जो है ना तने के पास, तने का वो हिस्सा जो ज़मीन के पास है वहाँ से दाखिल हो, ये इसका जो है ना रूट बोरर का बालक आप देख सकते हैं, ब्राउनिश और लॉन्गिट्यूड लेंथ वाले जो है वो बिल्कुल फोर विंग्स हैं, और हाइंड विंग्स जो है वो वाइट कलर के स्मॉल हैं, तो पिछले पार सफ़ेद और छोटे होते हैं और अगले पार जो है वो भूरे रंग के बड़े होते हैं, ठीक है। ये इसका डैमेज आप यू कैन सी हेयर द रूट्स एंड द डैमेज्ड स्टेम, वो तने का वो हिस्सा जो ज़मीन के पास है ये वहाँ पे ये इसको वो करेगा डैमेज करेगा। अच्छा उसके बाद आप ये देख सकते हैं, उसके बाद आप आ जाएँ गुरदासपुरी बोरर, आई वॉज टॉकिंग अबाउट गुरदासपुर बोरर दैट दिस इज़ अ ओरिजिनल पेस्ट, वेन एवर द एनवायरमेंटल सिचुएशन विल सपोर्ट हिम इट विल अमर्ज आउट एंड डेफिनेटली ऑन द अदर हैंड इफ द एनवायरमेंटल कंडीशन विल नॉट सपोर्ट दैट इंसेक्ट इट विल नॉट फुलफिल एंड इट्स जनरेशन एंड द जनरेशन ऑफ दिस इंसेक्ट विल स्क्वीज डाउन इट विल कैप्ट हिमसेल्फ इन टू द हाइबरनेशन स्टेज। तो क्रीमी वाइट है और चार लाइनें प्रोमिनेंट है, स्टेम बोरर के अंदर फाइव लाइन्स थी बट इन केस ऑफ गुरदासपुर रिवर देयर आर फोर प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स विल बी देयर, ये आप देख सकते हैं। इसका डैमेज गैलरीज जो है वो गैलरीज फॉर्मेशन विल बी विजिबल अकॉर्ड इन द डैमेज ऑफ दिस, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो इनको खाने में मशरूफ है गन्ने को किस तरीके से अंदर से तबाही आप चेक कर सकते हैं। व्हाट विल बी द शुगर कंटेंट इन दिस सिचुएशन इफ इट विल अकर इन एपिडेमिक फॉर्म, तो कुछ भी जिम्मेदार को नहीं मिलेगा जब ये इस शक्ल के अंदर आ जाएगा, ये पांच लाइनें आप वाजे यहाँ से देख सकते हैं। सो दिस इज द मेच्योर लार्वा ऑफ गुरदासपुर। अच्छा उसके अलावा शुगर केन अर्ली शूट बोरर, दिस इज अ न्यू फैट दैट द फाइव ब्राउनिश रेड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स विद डार्क ब्राउन हेड, ये जो है आप स्ट्रिप देख सकते हैं, दिस इज द एग मैस ऑफ द अर्ली शूट बोरर एंड दिस इज सो कॉल्ड द अर्ली शूट बोरर लार्वी,
तो ये जो है वो अर्ली स्टेज पे आता है, इसलिए अर्ली शूट बोरर कहते हैं। न्यूली जो है ना वो नई अब जो है सिचुएशन जो अब बढ़ती जा रही है, इसके अंदर कमाल के पौधे को एक नई थ्रेट से जो है ना वो सामना करना पड़ा हुआ है, अर्ली शूट बोरर। ये इसका जो है वो बालग है, यहाँ पत्ते के ऊपर बैठा हुआ बूढ़े रंग का, बिल्कुल जो गुलाबी सुंडी है उसके परवाने के साथ मिलता जुलता है, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट इन कलर पैटर्न। अच्छा, ये आप इसके अर्ली शूट बोरर है तो डेफिनेटली इन द अर्ली स्टेज ऑफ द शुगर कैन क्रॉप इट विल डैमेज इट, सो यू कैन सी द अर्ली शूट बोरर्स डैमेज। मैनेजमेंट टैक्टिक्स, इफ यू विल फोकस ऑन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, डेफिनेटली वी हैव टू हैव वी विल बी आस्क्ड टू टू मैनेज द स्टबल्स प्लोइंग एंड प्लैंकिंग प्रॉपरली, एंड इन अप्रैल में अप्रैल टू इन जून जुलाई मुट्टों पर मिट्टी चढ़ाना, इसके अलावा पैरास्टाइल्स के कार्ड इंस्टॉल करना, और जो है वो इन्फेस्टेड प्लांट्स को जो है ना वो मवेशियों को डालना उनको उनका जो है ना इस तरीके से जवाब। ये तो आप लोगों को जनरल लाइट ट्रैप्स का है, उसके अलावा कीमियाई और लाइट ट्रैप जो हैं उनको यूज़ करना, ठीक है। बट इन केस ऑफ केमिकल कंट्रोल, आवर फार्मर ट्राइज टू यूज द केमिकल कंट्रोल, ही डोंट यूज द अदर मैनेजमेंट मिटिगेशंस बट डायरेक्टली गोज टूवर्ड्स द केमिकल कंट्रोल। फिप्रोनल जो है, फैप्रोनल या कार्बोफ्यूरान जो है वो अगर फर्स्ट प्लांटिंग है तो जो है ना वो उसके ऊपर जो है वो 8 दिन के बाद, और सेकंड है तो